गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम चैप्टर टू कंप्लीट कर चुके हैं सिविक्स में, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। आइए इसका बात कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कास्ट सिस्टम इन इंडिया बिगन इन, कास्ट सिस्टम भारत में कब से शुरू हुआ? कास्ट सिस्टम शुरू हुआ था आपका 12वें पीरियड से। तो फर्स्ट का है आपका बी पॉइंट, वैलिड क्लियर या फिर वैलिड एज। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वर द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? इसका ए पॉइंट है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन थे। थर्ड क्वेश्चन इज, हु यूज द टर्म हरिजन फॉर अनटचेबल, अनटचेबल लोगों के लिए हरिजन वर्ड का यूज किसने किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले हरिजन वर्ड का यूज महात्मा गांधी ने किया था। इंडियन पार्लियामेंट अबॉलिश मैनुअल स्क्रेविंग इन, इंडियन पार्लियामेंट ने मैनुअल स्क्रेविंग को कब अबॉलिश कर दिया था? 1993 में इसके लिए बना दिया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स कैंपेन एंड फाउंड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ दलित, दलित के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए किसने कैंपेनिंग को प्रमोट किया था? लिखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहां तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे। फर्स्ट इन द ब्लैंक्स इज, वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर इज नो पैलेस फॉर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बी का फर्स्ट, हम जानते हैं कि इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई भी स्थान नहीं है सोसाइटी में। कौन थे फाउंडर मेंबर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके लिए लड़ रहे थे? अनटचेबल्स या दलित लोगों के लिए। तो लिखे बी आर अम्बेडकर। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया इज अ फिलिंडर ब्लैंक्स स्टेट, इंडिया किस तरह का स्टेट है? इंडिया एक सर्कुलर स्टेट है। लिख लीजिए सर्कुलर स्टेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंडर ब्लैंक्स इज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, कौन सी चीज इनह्यूमन प्रैक्टिस के अंतर्गत या मानवीय कृत्यों के अंतर्गत आती है? मैनुअल स्केविंग। मैनुअल स्केविंग।
मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको। व्यापार वैसे लोग करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए थे, ट्रिबल लोग फॉरेस्ट से जुड़े रहते हैं, दलित लोग लोअर कास्ट से हैं, और रिटल्स यानी कि रिवाज ब्राह्मण लोगों द्वारा किए जाते हैं। सी मैचिंग 3-1-4-5-2। इसके बाद आते हैं हम प्रोफाइल्स पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताने हैं कि कौन सी आपकी सिचुएशन ट्रू है और कौन सी आपकी सिचुएशन फॉल्स है। डी फर्स्ट, इन इंडिया इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टूडे, भारत में आज भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। ट्रू। सेकेंड इज अनटचेबल्स वर अर्लियर अलाउड टू एंटर इनटू टेंपल, अनटचेबल्स लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार पहले से ही था। फॉल्स, ऐसा नहीं था। थर्ड, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिनाइड रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बाधित करती है आपकी रेस्पेक्ट और डिग्निटी को, सही है। ट्रू। फोर्थ, इन इंडिया वी डू नॉट हैव द फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन, भारत में स्वतंत्रता नहीं है कि हम कोई प्रोफेशन चुन सके, ऐसा नहीं है, हम कोई भी प्रोफेशन भारत में चुन सकते हैं क्योंकि यह डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, एससी एसटी ओबीसी आर प्रोवाइडेड विद रिजर्वेशन ऑफ सीट इन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, एससी एसटी और ओबीसी को प्रोवाइड किया गया है रिजर्वेशन सीट के रूप में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि लोकल बॉडीज में, गवर्नमेंट की ऑफिसर रैंक के अंतर्गत। दिस इज ट्रू। इसके बाद आते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं। लिखिए, ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड है प्रीजज, प्रीजज किसे कहते हैं। सेकेंड शॉर्ट का लिखेंगे, प्रीजज जिन अदर पर्सन और ए ग्रुप इन्हें निगेटिव वे और थिंकिंग देम एज इंपीरियर, प्रीजजिंग। Then, inferior.
थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हेन पीपल गिव देमसेल्फ इनटू, डिफाइन द टर्म बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर या बॉन्डेड लेबर किसे कहते हैं? व्हेन पीपल गिव देमसेल्फ इनटू स्लेवरी एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉ। वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो चुके हैं आपके। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रीजर्स। प्रीजर्स का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म स्टीरियोटाइप, गिव टू एग्जांपल। स्टीरियोटाइप के टर्म को समझाइए और इसके दो एग्जांपल दीजिए। देखिए, ए फिक्स आइडिया अबाउट ए पर्टिकुलर, I hope.
person or thing which often not true nor true in reality. For example, girls cry easily. Superior. Superior. Next question है आपका, why do the Indian Constitution provide for special provision to uplift the untouchable? अनटचेबल लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह के प्रोविजन बनाए हैं या फिर क्यों बनाए हैं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ये क्यों बनाए हैं, तो आइए कंप्लीट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, it was important for the lower caste people. The Indian Constitution provided the Indian Constitution provide the untouchable because it was important for the lower caste, for the lower caste pupils to put their ideas forward.
ये आपके शॉर्ट फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी।